वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार वीडियो भी देख रहे हैं और आज पर्टिकुलर जो है 22 फरवरी के क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। ये ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करके सारे क्विजेस को अटेम्प्ट भी किया करें आप, और हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट से जो लोकसभा हमारा है संसद में उसमें सदस्यों की संख्या है टोटल 80। ठीक है, अगला है आयकर जो है किस प्रकार का कर होता है? ठीक है, तो ये आपकी जो इनकम होता है उस पर एक वार्षिक कर होता है। ठीक है, एनुअल टैक्स जो असेसमेंट होती है तो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक, अगला है निम्न में से किस विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक कानून, ठीक है, इस मसले पर जो है पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी जो हैं वो लॉ बना सकते हैं। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो जैसे केंद्र में आप NCERT देखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य के लिए SEERT जो है स्थापना इसका किया गया था 1981 में। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न ये है कि NCERT कब इस्टेब्लिश हुआ था, आप ये बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने का दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा? ठीक है, तो ये जो ग्राउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर, तो जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, इलेक्शंस के लिए जो बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, तो उसमें इंक्लूजन, उस व्यक्ति के इंक्लूजन के लिए ये जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, इनके आधार पर उसके साथ भेदभाव या नहीं किया जा सकता, ठीक है, या वो इन एलिजिबल नहीं होगा इन ग्राउंड्स के आधार पे, तो ये प्रावधान हमारा है 325 नंबर आर्टिकल जो है इसमें। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निदेशक तत्वों का अच्छी तरह से पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग हो सकता है? ठीक है, तो जो हमारे DPSP हैं पार्ट 4 के अंतर्गत है ना, तो वो चूंकि जस्टिसिएबल नहीं है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने कहा कि अगर इसका पूरी तरीके से पालन हो जाए तो हमारा जो देश है वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग हो सकता है। तो ये जज थे MC चागला है ना, इनका ये कथन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है। भारतीय कानूनों के अनुसार किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? ठीक है, तो जुवेनाइल की परिभाषा ही होती है कि 18 वर्ष से कम का जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको किशोर कहा जाता है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। निम्न में से किसने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, न्यू दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी हकीम अजमल खान के द्वारा। अब निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा उदाहरण है इसका? ठीक है, तो देखिए वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, डेटाबेस सिस्टम, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो एक कंप्यूटर को है ना, बेसिक उसका जो ऑपरेशन है उसको करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कंपाइलर जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। निम्न में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, यहाँ पे 1946 लिखा है, ठीक है, तो ये 49 होगा, 1949। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहाँ पे इनेक्ट किया गया था 1949 में। ठीक, तो अब देखें तो उस समय की प्रीएम्बल में हमारा जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये नहीं था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। ठीक, तो इसको करेक्शन भी ध्यान दीजिएगा और इसका उत्तर डी हो जाएगा।
अगला है कि डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में जो इमेज फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनका ये एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, फाइल मतलब फाइल फॉर्मेट कह सकते हैं एक तरीके से। तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सुखना झील कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो सुखना लेक है हमारी यहाँ पे, ये थोड़ा इसमें गलत जगह लिख गया है। ठीक, ये चंडीगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया था? ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर वुमेन्स ईयर घोषित किया गया था 1975 को। ठीक, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तभी से जो है 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो ये मैत्री सेतु ब्रिज अभी लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया गया था, इसको फेनी नदी पे इसको बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत और बांग्लादेश को ये कनेक्ट करता है, लगभग 1.9 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, और भारत का जो हमारा त्रिपुरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है सबरूम, है ना, तो इसको कनेक्ट करता है बांग्लादेश के रामगढ़ से। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो जो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, तो तीनों को मिलाकर जो 2022 में ये अवार्ड दिए गए हैं इनकी संख्या है 128। विश्व एनजीओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे होता है 27 फरवरी को। लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले किस राज्य में स्थापित की गई थी? ठीक है, तो जो एंटी करप्शन एक बॉडी होती है हमारी लोकायुक्त, है ना, जहाँ पे लोग अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके किसी इस तरह के अधिकारों का हनन होता है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र में इन्फोर्स हुआ ये इफेक्ट में आया हमारा 1972 से। ठीक है, और जो सबसे पहले लोकायुक्त से संबंधित एक्ट पास किया है ना, लेजिस्लेशन जो कह सकते हैं, ये ओडिशा के द्वारा किया गया था। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन ऐसे में बन रही है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसको कर्व करने के लिए यहाँ पे तमाम तरीके के कन्वेंशंस और अग्रीमेंट भी हुए हैं। ठीक है, ताकि इसको जो है रिडक्शन इसका किया जा सके। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हाईकोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है वो स्थित है प्रयागराज में, और इसकी एक खंडपीठ है ना बेंच, वो है लखनऊ में। अगला है पादप कोशिका की भित्ति जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वो बनी होती है मेनली सेलुलोज की, है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। वहीं अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा बोली कौन सी भाषा जाती है, तो पहले नंबर पे आती है हिंदी, दूसरे पे है भोजपुरी, और फिर तीसरे पे आती है उर्दू। तो ये क्रम ध्यान दीजिएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? ठीक है, तो सती प्रथा जो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, राजा राम मोहन राय और तमाम तरीके के और जो लोग थे, इन्होंने इसको अपॉलिश करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तो उसी क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने एक एक्ट ले आया, इसको बैन किया गया उसके द्वारा, और ये 1829 में लाया गया था। निम्न में से कौन सा AFSPA का पूर्ण रूप है जो भारत की संसद का एक अधिनियम है? ठीक है, तो आफ्सपा एक्ट एक बनाया गया था, इसका फुल फॉर्म होता है द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में बनाया गया था ये। और भारत के जैसे कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे कुछ जो है डिस्टर्ब एरियाज हैं, है ना, तो वहाँ पर आर्म फोर्सेज को कुछ स्पेशल पावर्स ग्रांट की जाती हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन के संदर्भ में रेगुलेशन और कंट्रोल रूल्स बनाए गए थे सन 2000 में,
और ये जो हैं गवर्न होते हैं, इनका जो पेरेंट एक्ट है ये समझिए, तो ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो बना था। ठीक है, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन किस वर्ष में लाए गए थे? ठीक है, तो अभी लैंड एक्विजिशन से संबंधित हमारा जो लेटेस्ट एक्ट इंडिया में पास किया गया था, ठीक है, वो 2013 में आया था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया था? ठीक है, तो जैसे कि सेम सेक्स में जो सेम जेंडर है उनके बीच में जो शारीरिक संबंध है और बाकी और भी जो लोग आपस में सहमत हैं इस चीज़ को लेके, तो इस इन चीज़ों को जो है डीक्रिमिनलाइज किया गया था। मतलब कि ऐसा अगर आप करते हैं तो अपराध ये नहीं माना जाएगा, तो इसको जो है मुक्त किया गया था। एक केस था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ठीक है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन दिया गया इसमें। निम्न में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला है, मीना माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? ठीक है, तो जापान में ये सबसे फर्स्ट जो है इसके केसेस आए थे। बेसिकली जो मरकरी होती है, ठीक है, तो मरकरी पॉइजन्स की वजह से ये रोग होता है। वहाँ पे हुआ क्या था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, है ना, वो सी वगैरह में काफ़ी गया, जिसको कंज्यूम किया फिशेज ने, और उसके कंजम्पशन से यहाँ पे लोगों में मिनी माता के केसेस देखे गए। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? ठीक है, तो जो टर्म होता है लोकसभा का, तो आम चुनाव जो होते हैं किसी पर्टिकुलर विधानसभा, सॉरी लोकसभा या विधानसभा भी इसी में कंसीडर कर लीजिए, तो चुनाव से जो है 5 साल की अवधि होती है, ठीक है, उनका कार्यकाल, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था? ठीक है, एक एक्ट आया था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, FRBM एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये बनाया गया था हमारा वर्ष 2003 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी ये 382 जो है पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर रही, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला देखें कि निम्न में से किसे सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारी पचमढ़ी हिल्स हैं, ठीक है, इनको जाना जाता है सतपुड़ा की रानी के रूप में। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये फोर्स में आया था 2006 में। हर्मिका, वेदिका और तोरण निम्न में से किसके भाग या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्तूपास देखते हैं ना, बुद्धिस्ट स्तूपास देखते हैं, ठीक है, तो इनके ये भाग होते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि स्ट्रक्चर जैसे स्तूप कोई होता है बना हुआ कहीं, तो ऐसे एक अंडाकार भाग है जो बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में एक हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक, फिर जो है इसके ऐसे चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, है ना, उसको वेदिका बोलते हैं, और इंट्रेंसेस जो होते हैं इस जो हमारा स्तूप है इसके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं गेट के जैसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं तोरण। ठीक, तो इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति होती है? ठीक है, तो किसी स्टेट का अगर गवर्नर है तो उसके पास देखिए एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी शक्ति भी होती है, विधायी शक्ति होती है जैसे कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वो, ठीक, फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको डिस्टिंक्शन ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं, जैसे वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है 352 अनुच्छेद के अंदर, ठीक है, फिर स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ना, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इमरजेंसी पावर जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है, तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं, कार्यकारी, विधायी और वित्तीय, तो इसमें से
ये जो नन ऑफ द एबव है इसको चुनेंगे, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द एबव सही है। अगला है नजीरा और जंजी कोयला खदानें कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये कोल माइंस हैं असम के अंदर। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कावेरी की अगर हम देखें इनमें से, तो ये नोयाल रिवर जो है ये हो जाएगी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है जिसमें कि जो हमारे आरबीआई से संबंधित जितने भी पॉलिसी रेट्स होते हैं, ठीक है, इन सब का डिसीजन ये बॉडी लेती है, और इसमें टोटल जो है 6 सदस्य होते हैं। ठीक, कॉर्नवालिस कोड कब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने यहाँ पे कुछ जो लेजिस्लेशन बनाए है ना, बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन कह लीजिए, तो कॉर्नवालिस कोड इसको नाम दिया गया। तो 1793 में जो है ये इनेक्ट हुआ, और इसका उद्देश्य ये था कि जो उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस था भारत की टेरिटरी में, उन सबको इम्प्रूव करना। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम जो है घोषणा किया गया है हरियाणा के द्वारा। निम्न में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन सी जो है इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके द्वारा होने वाले जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जो है ये इस मतलब क्योटो प्रोटोकॉल को जो अपनाया गया, ठीक है, तो क्योटो एक शहर है जापान में, ठीक है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था ईयर 1997 में। ठीक है, और इन्फोर्समेंट जो इसका हुआ है, मतलब लागू ये जब से हुआ है, तो ये फरवरी 2005 से हुआ है। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन हमको चुनना है। ठीक है, तो जैसे कि विटामिन्स की यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी है, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल में हमारे विटामिन ए डी ई और के, ठीक, और वाटर सॉल्यूबल में हमारे हो जाएंगे विटामिन बी और सी, है ना। तो अभी देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो सी में मिल रहा है हमें ये, है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, टोबैको प्रोहिबिशन डे की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 31 मई को। कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत मूलभूत मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये सब एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो यहाँ पे गारंटी किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री ये देख रहे हैं आप इक्वेटर का एरिया, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड हमारी ऐसे लाइंस हैं, तो मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो इन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, वो 111 किलोमीटर का होता है। ठीक, लगभग लगभग होता है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।